अपोजिशन, ट्रेजरी बेंच, रूलिंग बेंच, मंत्री और अपोजिशन, उस भूमिका का वो उस भूमिका का वो निर्वहन करते हुए जो उनके वीडियोस थे, 5,500 वीडियो थे, जिसमें 200 वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन कराने में जैसे चीफ सेक्रेटरी निरंजन आचार्य आर्य साहब ने, उन्होंने बच्चों का वीडियो देख के आइडेंटिफाई किया, हमारे सेक्रेटरी उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बीजेपी के जो अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने आइडेंटिफाई, ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट से उन्होंने 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो कंटेन उन कंटेन के आधार पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये 200 बच्चे उन कंटेन के आधार पर विधानसभा कैसे चलती है, तो विधानसभा में जो हमारा स्वरूप है उसमें क्वेश्चन आवर होता है, वन आवर होता है, फिर जीरो आवर होता है। तो हमने कोशिश की कि एक घंटे में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर का जो समय है, जो कंटेन होता है, उसको हम इन बच्चों के माध्यम से सत्र में उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर देंगे। एक घंटे तक जो विधानसभा का सत्र है उसमें उन्हीं बच्चों में से विधानसभा अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और विधायक होंगे। आधा घंटा क्वेश्चन आवर है, जैसा क्वेश्चन आवर होता है उसमें जो विधायक की भूमिका का जो सदस्य कर रहे हैं वो प्रश्न पूछेंगे, मंत्री की जो भूमिका वो जवाब देंगे, और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर, और अंत में 295 जो एक अपनी समस्याओं को विधानसभा में रखने का मीडिया है उसका वो उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक घंटे का सत्र चलेगा। इस सत्र के पीछे जो मंशा है वो ये कि आप, मैं फॉरेन में टूर करने गया था, तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक जगह पर जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो उनमें एक बच्चा बैठा हुआ था, हमने पूछा कि भाई ये सदस्य किस रूप में बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ है कि बच्चों की जो समस्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बच्चा उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे स्कूल में बस कहाँ खड़ी होनी चाहिए, बस सही समय पर आ रही कि नहीं आ रही है, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि स्कूल जो है वहाँ पर बसें आके खड़ी होती है, जो प्राइवेट उनको लेने वाले वो टेम्पो वो खड़े रहते हैं, जिनके पिता के पास गाड़ी है वो खड़े रहते हैं। अब ये समस्या, इस समस्या के बारे में ध्यान कौन आकर्षण करेगा, उस ध्यान में बच्चे का क्या फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने का मुझे वहाँ पहली बार अवसर मिला देखने का, कि उन्होंने इस तरह का स्थान एक बच्चे को दे रखा प्रतिनिधि के रूप में। तो मैंने मन में कल्पना की कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद के समय हमने कल्पना की हम देश का निर्माण कैसे करेंगे, और उसी आधार पर संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो आज की जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी को 18 महीने तक महामारी में अपने घर पर रहना पड़ा, जिसमें पहली बार बिना क्लासरूम के टीचिंग हुई, कभी किसने कल्पना ही नहीं की थी कि टीचिंग का मतलब यह है कि बिना क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, बिना अध्यापक, बिना अपने साथियों के साथ बैठकर पढ़ाई करें, और ऑनलाइन पढ़ने का अवसर मिला और उनको सारी एक्टिविटी से डिप्राइव कर दिया। उन बच्चों की जो ये भावना है, उनकी जो ये जो स्थितियाँ बनी, उससे उनकी क्या मानसिकता है जो सरकार में एड्रेस की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये प्रयास से जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को समझेंगे कि एक पीढ़ी ऐसी भी है जो आने वाले समय में देश के भावी नागरिक बनेंगे, देश का निर्माण करेंगे, वो जो उनकी जो मानसिकता है, उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी निदान विधानसभा से संबंधित विधानसभा और लोकसभा से संबंधित लोकसभा में किया जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनना चाहिए। डेमोक्रेसी में यदि हम इस नई पीढ़ी के इन समस्याओं के बारे में अभी से हम चिंता नहीं करेंगे, उनके संबंध में नियम और कानून में परिवर्तन करने का काम नहीं करेंगे, और वो बच्चे जो विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, विधायक का, मंत्री का, उनके मन में किस तरह की है, ये चीज़ें हम अभी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो लोकतंत्र, जिसकी हमारे देश की ताकत है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हम दुनिया को हमने बताया है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, दुनिया के ताकतवर देशों के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संस्कार बच्चों में जितने जल्दी इनकलकेट होंगे उतना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होगी,
और हम देश को बहुत तेज गति से दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने का काम कर सकेंगे। ये प्रयास है, पहला प्रयास। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी इसमें भाग लेंगे, और वो उन्होंने भाग लेने की स्वीकृति दी। और जैसा हमारा राष्ट्रमंडल का जो चैप्टर है राजस्थान का, उसमें स्पीकर अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी उपाध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन उपाध्यक्ष हैं, हमारे पार्लियामेंट्री जो उसका कंपोजिशन है वो भी सब इसमें भाग लेंगे। तो पहली बार राष्ट्रमंडल का जो है, जो चैप्टर है, वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि देश के अलग अलग विधानसभाओं में भी इस तरह की चर्चा विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जब 15 स्टेट्स के बच्चे भाग ले रहे हैं और 5,500 बच्चों ने अपने वेबसाइट के माध्यम से और ये इन चीज़ों के माध्यम से अपनी बातों को रखा है, तो ये हम सब के लिए एक कंटेंट मिल जाएगा कि कौन कौन से इश्यूज उनके माइंड में एजिटेट कर रहे हैं। मैं वैसे मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कंटेंट एनालिसिस किया जाना चाहिए। जो जितने बच्चों के विचार हैं उन विचारों को कंटेंट एनालिसिस करके हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मनोविज्ञान में एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब विचार जो आ रहे हैं उन विचारों को आइडेंटिफाई करके यदि हम ये एंटिसिपेट कर सकें कि आने वाले समय में देश में कौन सी समस्याएं जो बच्चे सोच रहे हैं उनके संबंध में नियम और कानून बनाने हैं, तो उनके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हमने समझा आज़ादी का अमृत महोत्सव का अवसर है। 14 नवंबर का बच्चों का जो चाचा नेहरू जी के जन्मदिन संबंध से बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो स्ट्रेंथन करने का जो काम किया है, उस दृष्टि से इस दिवस की महत्ता को समझते हुए हमने 14 नवंबर को ही ये सत्र बुलाने का निर्णय किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप खुद को ही अनुभव होगा कि 200 विधानसभा की सीटों पर वो बच्चे बैठकर विधायक के रूप में अपनी भूमिका